वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। सो आज मैं गेट रिलेटिव स्टिक के क्वेश्चंस के अगले क्वेश्चन 216 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट। तो एक पार्टिकल है जिसके रेस्ट मास है एम नॉट और इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। तो बोल रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है। रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है मतलब रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है सिस्टम की, एम नॉट सी स्क्वायर, अगर एम नॉट उसकी रेस्ट मास है तो। आगे बोला इट्स मोमेंटम इन यूनिट्स ऑफ एम नॉट सी। ओके एम नॉट सी, ओके मुझे अल्टीमेटली मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम क्या होता है, एम वी और ये एम को रिलेटिव स्टिक में अगर हम ले तो एम नॉट पी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको वेलोसिटी यहाँ पे पता चल जाए तो हम मोमेंटम आराम से निकाल सकते हैं। ओके अब उस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हमको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी एम नॉट सी स्क्वायर है और रेस्ट मास एनर्जी तो एम नॉट सी स्क्वायर होती है। और टोटल एनर्जी कितनी होती है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम की जगह मैं लिखूंगा एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम नॉट सी स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड से एम नॉट को कैंसिल आउट कर दूँ और मैं टू को डिनोमीटर में भेज दूँ तो आ जाएगा वन बाई फोर इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस वन बाई फोर वी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू सी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अगर वेलोसिटी आ गई दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू एम नॉट वी की जगह मैं रख रहा हूँ रूट थ्री बाई टू सी अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी मीन्स वन बाई थ्री बाई फोर। ओके p इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ऐसे ही रहेगा रूट थ्री बाई टू सी एम नॉट और ये इंटू टू आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो मोमेंटम है वो हो जाएगा रूट थ्री एम नॉट सी। ये हो गया आपका मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो निकालने के लिए यहाँ बोला है इन द फॉर्म ऑफ एम नॉट सी। तो ये सिंथर सिंपली रूट थ्री, आप रूट थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे डेसिमल प्लेसेस के साथ। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस के साथ दिया उस हिसाब से आप पहले यहाँ पुट करेंगे। इस सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं जैसे सेकेंड मेथड। अगर मैं एक और मेथड की यहाँ पर बात करूँ तो ये कुछ ऐसे होगा जैसे मुझे पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर होता है। पी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर। अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी थी टू एम नॉट स्क्वायर, राइट ई इज द टू एम नॉट स्क्वायर। तो इसके लिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ टू एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर फोर। दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू रूट थ्री एम नॉट सी। ओके तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं या ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ओके सो अगर इस क्वेश्चन में सोल्यूशन में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।